आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए उत्तराखंड के सांसद, कार्यकाल खत्म होने में कुछ ही महीने शेष, मगर अभी तक खर्च नहीं कर पाए 64% सांसद निधि। सांसद निधि खर्च करने के मामले में उत्तराखंड के सांसद फिसड्डी साबित हुए हैं। राज्य के 8 सांसदों, जिनमें राज्यसभा के 3 सांसद भी शामिल हैं, ये 8 सांसद निधि का अब तक 74.12% पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं। इनमें लोकसभा सांसदों की 64.77% यानी 56.45 करोड़ की निधि खर्च नहीं हुई है। ये खुलासा RTI कार्यकर्ता नदीमुद्दीन की सूचना पर हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस सांसद का क्या हाल है। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 17.38 करोड़ की निधि में से 4.83 करोड़ ही खर्च कर पाए हैं। 72.21% सांसद निधि खर्च होनी बाकी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की बात करें तो उन्होंने 17.29 करोड़ की सांसद निधि में से 6.69 करोड़ खर्च किए हैं। 10.6 करोड़ बचे हैं, यानी 61.31% निधि खर्च होनी बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने 17.33 करोड़ की सांसद निधि में से 3.7 करोड़ खर्च किए हैं। 13.63 करोड़ खर्च होने बाकी है, यानी 78.65% सांसद निधि खर्च नहीं हो पाई है। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने 17.08 करोड़ की सांसद निधि में से 7.84 करोड़ खर्च किए हैं, 9.24 करोड़ शेष बचा है, यानी 54.10% खर्च होना बाकी है। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की बात करें तो इन्होंने 18.07 करोड़ की सांसद निधि में से 7.64 करोड़ खर्च किया है और 10.43 करोड़ खर्च होना बाकी है। 57.72% सांसद निधि ही खर्च हो पाई है। राज्यसभा सांसदों की बात करें तो डॉक्टर कल्पना सैनी 7.5 करोड़ सांसद निधि में से 0.05 करोड़ खर्च कर पाई हैं। अनिल बलूनी 22.4 करोड़ में से 1.95 करोड़ खर्च कर पाए हैं और नरेश बंसल 12 करोड़ में से 0.7 करोड़ खर्च कर पाए हैं। राज्यसभा सांसदों को छोड़ दें तो लोकसभा सांसदों का कार्यकाल अब अंतिम दौर में है, कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सांसद निधि विकास कार्यों में खर्च कर पाएंगे या वो लैप्स होने वाली है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।